दीपावली पर अग्निशमन विभाग पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुट गया है। देहरादून के आदमी संबंध अधिकारी सुरेश चंद्र ने कहा कि 24 घंटे अग्निशमन विभाग के कर्मचारी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। खास तौर पर दिवाली के समय पटाखे से दुर्घटनाएं होने की खबरें आती रही हैं। अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र ने कहा, सभी से अपील की है कि अपने घरों के आसपास व अधिक तीव्रता के पटाखे का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अपने घरों की छत पर भी कोई ऐसी सामग्री ना रखें जिससे पटाखे के जरिए आग लगने की संभावना बने। उन्होंने सभी लोगों से सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाने का आग्रह किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो प्रदेश की जनता को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ अपील करता हूं कि अपने जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अकेले में आतिशबाजी न करने दें, बड़े पटाखों से उनके दूर रखें, उनके साथ में ही बड़े धमाके के पटाखे प्रयोग ना करें और घरों की छतों पर जो हमारा वेस्टेज होता है, जैसे कार्टून है, पॉलीथीन बैग हैं एंड अदर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, वो छत पर ना हो, क्योंकि जैसा कि लोग आतिशबाजी करते हैं, रात को हम सो जाते हैं, हमारी छत पर कोई आके पटाखा गिर जाता है तो अग्निकांडों की संख्या बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। और ये भी अपील करता हूँ कि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। प्रायः देखने में आता है कि आतिशबाजी में बच्चे की मतलब मौत भी हो जाती है और इंजर्ड भी हो जाती है। इसी के साथ और अगर कोई अग्नि दुर्घटना होती है, उस अग्नि दुर्घटना की खबर तत्काल अग्निशमन विभाग को आप दें, जिससे समय रहते अग्निशमन विभाग समय से पहुँचे।